भैया, आज तक तो आपके चलाए रथों की गति देखी थी, लेकिन आज आपके बाणों की गति तो ऐसी थी कि कब छूटते कब जाते दिखाई नहीं पड़ रहा था। सूर्यदेव ने आज अर्जुन का साथ दिया, वरना विजय जश्न तो हम मना रहे होते। क्यों बाबा? जो हुआ सो हुआ। आग के फूल कभी मुकुट में नहीं सजते। लौट चलो हमारे साथ पुत्र। आपका पुत्र अब हमारा मित्र ही नहीं, अंगराज भी है। अब ये आपके घर नहीं जाएगा, आप इनके महल जाएंगे। मित्र, घाव गहरा लगता है। आज घाव लगा नहीं, बल्कि आज कहीं घाव भरे हैं। और आप आज जो मेरे साथ खड़े रहे कुमार, उसके लिए मैं आपका ऋणी हुआ। मैं आपकी परछाई बनकर आपके साथ चलूंगा, क्योंकि परछाई अंधेरों में दिखाई नहीं देती। मैं वचन देता हूं, तुमने अपनी वीरता को साबित किया है मित्र। तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे विश्व विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। वचन रहा, आपके ओर आते हर अस्त्र की ढाल और हर शत्रु का काल बनूं। ज्येष्ठ मास के मेघ घनेरे तमक तमक गर जाए, तेवर देख जो खेत जोत ले और हलधर रोए पछताए। ए शूरवीर, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि जो तुम कह रहे हो भांजे से, उस पे अटल रहोगे? पर मामा जी, मुझे कर्ण पर पूर्ण विश्वास है। पुरुष वही जो अपने दिए वचन को निभाए। बात पुरुषार्थ की नहीं, स्वार्थ की है भांजे। कौन जाने कब मन फिर जाए। अब देखो, भांजे ने तुमसे दोस्ती की और एक पूरा राज्य तुम्हें सौंप दिया। दोस्ती का ऐसा कोई प्रमाण तुम भी तो दो। जो मित्र मांगे। मित्र कुछ नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। भांजा तो बहुत भोला है। शूरवीर, मैं मांगता हूं रक्त वचन। आज तक आंखों के सामने अन्याय नहीं था, इसीलिए अपने त्यागे हुए संतान के पीड़ से अनजान थी मैं। किंतु अब अपनी विवशता के कारण उसे दंड पाते हुए नहीं देख सकती मैं। मामा जी, ये कैसा वचन है? भांजे कहते हैं वचन जान से अधिक प्यारा होता है, किंतु ये वाला वाकई जान से अधिक प्यारा होगा। रक्त वचन जो दे और तोड़े, उसका जान से जाना अटल है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणा पुत्र हैं, ये इस क्रिया को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। मामा जी, वचन तो लोग तोड़ देते हैं, लेकिन जो सच्चा हो वो तो कई बात भी निभाता है। आपकी मित्रता मेरे लिए अनमोल है, और अगर मामा जी मेरी मित्रता पर रखना चाहें तो अधिकार है उन्हें। मैं तैयार हूं। मुझे तुम पर अभिमान है मित्र। कुंती, तुम जानती हो अगर तुमने कोई भी कदम उठाया तो परिणाम क्या होगा? इस रहस्य के कारण आज एक भाई के हाथों अपने ही भाई का वध हो जाता। परिणाम चाहे जो भी हो, इससे बुरा तो नहीं हो सकता ना? कुंती, आज मैं कर्ण को सत्य बता दूंगी कि वो मेरा पुत्र है। ममोपार्था समस्ता दुरिदक्ष द्वारा श्री परमेश्वरा प्रीत्यर्थम।
मैं अग्नि को साक्षी मान, कर्ण को अपना ऐसा मित्र मानता जो सदा मुझसे सम्मान ही पाएगा। और मैं अग्नि को साक्षी मान ये वचन देता हूं कि जीवन के हर क्षण में, हर मोड़ पर, चाहे वो मेरा कोई सगा सौतेला, मित्र संबंधी या रक्त से बंधा रिश्ता ही क्यों ना हो, मैं सदैव कुमार दुर्योधन के पक्ष में ही रहूंगा। और अगर भूल से भी मैं ये वचन तोड़ू तो उसी क्षण अग्निदेव मुझे स्वयं में समाहित कर ले। पुत्र, ये कैसा वचन दे दिया तुमने? अब तुम्हें सत्य बताकर मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। क्यों मामा श्री, अब तो आप प्रसन्न है ना? माता कुंती, आप आइए, माते भीतर आइए ना। ये माता कुंती है, पांडवों की माता। आपने अंगराज को आशीर्वाद नहीं दिया माते। समझ सकता हूं माते, जिन हाथों ने कभी अर्जुन के माथे को सहलाया होगा उन्हीं हाथों से उसके प्रतिद्वंद्वी को आशीर्वाद कैसे दे सकता है कोई। बल्कि आप तो यहां कर्ण से अपने पुत्र की विजय मांगने आई होंगी, है ना? क्षमा चाहूंगा मित्र, लेकिन वीरों की स्पर्धा में मां को बीच में लाना उचित नहीं। और मां कुंती, आपको बधाई कि आपने एक ऐसे पुत्र, एक ऐसे वीर को जन्म दिया। अवश्य ही आपको रंगभूमि में स्वयं पर गौरव हुआ होगा कि आप एक ऐसे पुत्र की माता हैं, अर्जुन की माता हैं। अर्जुन एक कुशल योद्धा है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि सूर्यास्त ने प्रतिस्पर्धा पूरी ना होने दी, किंतु भगवान परशुराम ने चाहा तो एक अवसर और मिलेगा जब वो और मैं पुनः आमने सामने होंगे। और उस दिन माता कुंती, आप अर्जुन को आशीर्वाद देना ना भूलिएगा कि कहीं वो मेरे मित्र से हार ना जाए। दुर्योधन, हार जीत का निर्णय तो समय ही करेगा, किंतु मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि कोई भी लड़े, जीत जिसकी भी हो। हारती तो एक माँ ही है। कर्ण, आज रंगभूमि में जो तुम्हारा शौर्य देखा उसके बाद तो यही कहूंगी कि पुत्र, तुम्हारी ख्याति दसों दिशाओं में फैले, नाम
प्रेम, सम्मान, वो सब कुछ तुम्हें मिले जो तुम्हारा अधिकार है और जो आज तक तुम्हें नहीं मिला है।